सारी मिसाल खड़ेआम हो रही है। बताइए शिक्षा वाली बात है, आपका गांव का आदमी बच्चा कर्मचारी बन पाएगा जब मंदिर की सफाई नहीं होगी, मंदिर के बचाए नहीं होंगे, तो आप नहीं बनेंगे इस गाँव में। गलत है मीडिया बनने पे सब नेता बनने पूछते हैं जवाब पूछते हैं, ऐसा नहीं है आपके सामने पूछेंगे। इनने नोटिस बांटे आज तक कोई वहां से कोई किसी ने नोटिस छोड़ दीजिए सामग्री बता दीजिए बैंड में गेट आल देखते हैं आपका फेसबुक पे लगे हुए हो राजनीति जाना पड़े। हमने इसे कहा था ना चार दिन से कि आप तहसीलदार के पास जाइए, तहसीलदार को आप एक रिपोर्ट भेजिए, तहसीलदार नहीं सुनता है तो एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम नहीं सुनता है तो कलेक्टर के पास जाइए, उनको बात को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छी बात है इतने दिया है अपने गाँव की सुनने, पहली बात एक है भाई, दूसरी बात चाहे तो हमें बचा रखना चाहिए, हमें अपना अपनी शुद्धिकरण करना चाहिए, तो हमें अपने बच्चे नियमित रूप से स्कूल भेजना चाहिए। मास्टर की गलती नहीं है, मास्टर का तो आप भी जाकर देख लेंगे, आठ घंटे ड्यूटी है इनकी, एक घंटा का लंच है, बाकी सात घंटे छह बजे सात होते हैं, एक एक घंटा एक टीचर पढ़ाएगा। ऐसा मैं दो चार बार महीने में एक आध राय स्कूल में मैं भी आता हूँ, इनसे बात भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, हम जब भी आते हैं जब शिक्षा को मिलते हैं पढ़ाते भी हैं, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो जी आप उनकी हमारी कमी है और हमें कमी को पूरा करने के लाने आज से इस चीज को भावना भी है कि अपने बच्चे ने मुझे सब पहुंचाओ। मुझे माँ बाप का कहता होता है कि अपने बच्चे के स्कूल सही टाइम पे आएंगे और सही घर में खान पान पहनाओ रहन सहन वातावरण अगर हम रखेंगे तो निश्चय है, आशा करें इस स्कूल से तो निश्चय है कि जरूर हमारा बच्चा ऊपर जाके अच्छी ऊंचाई।